आज हम बनाने वाले हैं चिली पनीर। अक्सर हमने देखा है पनीर को घोल में डिप करके डीप फ्राई करते हैं, लेकिन जब हम उसे घर पे ट्राई करते हैं तो बैटर पनीर को छोड़ देता है। तो चलिए आज हम बनाते हैं रेस्टोरेंट स्टाइल में चिली पनीर। इसके लिए हमें क्या-क्या सामग्री चाहिए चलिए देखते हैं। इसके लिए 200 ग्राम मैंने पनीर लिया है, जिसे मैंने 1 इंच के क्यूब्स में काट लिया है। आधा कप मैंने कैप्सिकम ली है, इसे भी मैंने चौकोर टुकड़ों में काट लिया है। आधा कप मैंने अनियन लिया है। 2 चम्मच मैंने कॉर्नफ्लावर के लिए है। 2 चम्मच मैंने सोया सॉस का लिया है। 1 छोटा चम्मच ब्लैक पेपर पाउडर, 1 बड़ा चम्मच मैदा का लिया है और नमक स्वाद अनुसार डालूंगी। एक बाउल में मैं पनीर के टुकड़े डालूंगी, उसमें कॉर्नफ्लावर मिलाऊंगी, ब्लैक पेपर, अब इसमें मैदा डाल देंगे और स्वाद अनुसार नमक मिलाएंगे इसमें। अब इसे अच्छे से मिलाएंगे जिससे सारे पनीर के पीसेस कोट हो जाएं। आधा कप पानी लिया, उसमें मैंने आधा चम्मच डार्क सोया सॉस मिला दिया। पनीर के पीस मैंने कॉर्नफ्लोर से निकाल लिए थे। अब फॉर्क से पनीर के पीस मैं पानी में डिप करूंगी और उसी बॉल में डाल दूंगी। एक कोट और हो जाएगा हमारा। इस तरह सारे पीस निकाल लेंगे। ऑयल हमारा गर्म हो गया, अब इसमें सारे पीस मैं एक एक करके डाल दूंगी। इन्हें मैं ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। ये हमारे अच्छे से फ्राई हो गए हैं, अब हम इनको निकाल लेते हैं। मैं चिली पनीर थोड़ा सा ग्रेवी वाला बनाऊंगी, इसलिए बाउल में 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर ले लिया मैंने। जिस पानी में मैंने पनीर डिप किया था वो पानी भी डाल दूंगी इसमें। साथ ही 2 चम्मच मैं इसमें सोया सॉस की और मिलाऊंगी। इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे जिससे इसमें कोई गांठ ना रहे। हमने तेज आंच पर पैन को गर्म कर लिया है, उसमें थोड़ा सा गर्म तेल डाल दिया है। अब उसमें मैं आधा चम्मच गार्लिक और आधा चम्मच जिंजर का कटा हुआ भूनूंगी। इसे हमें ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, हल्का ही भूनना है। गार्लिक हमारा भुन गया है, अब इसमें मैं अनियन डाल दूंगी और कैप्सिकम के पीस डालकर इन्हें भी भूनना है। फ्लेम को हमें हाई रखना है, इन्हें हमें ज़्यादा नहीं भूनना है, बस हल्का हल्का ही भूनना है। कलर नहीं चेंज होना चाहिए हमारे कैप्सिकम और अनियन का। गैस को मीडियम स्लो कर देंगे। इसमें 2 स्पून मैं टमाटर सॉस के मिलाऊंगी। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें मैं कॉर्नफ्लोर का जो पानी बनाया था वो डाल दूंगी। इसे भी अच्छे से मिक्स करूंगी। पनीर के पीस डाल दूंगी। 1 कप पानी डाल देंगे इसमें हम। अच्छे से मिक्स करेंगे। वन टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर डालकर अच्छे से मिक्स करूंगी। हाफ टी स्पून सॉल्ट डालूंगी। इसमें सॉल्ट कम डालूंगी क्योंकि मैं इसमें पहले मिला चुकी हूँ। 1 स्पून विनेगर का डाल दूंगी। 1/2 स्पून शुगर डालूंगी जिससे सारे मसालों का बैलेंस बना रहे अच्छा सा। चिली पनीर हमारा बनकर तैयार हो गया। लीजिए, सर्व करने के लिए तैयार है। अगर आपको ये रेसिपी मेरी पसंद आए और आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ में बेल आइकन की बटन दबाना ना भूलें, जिससे सबसे पहले आपको मेरी सारी रेसिपी देखने को मिले। थैंक यू।